कांग्रेस पार्टी में केंद्र से लेकर हिमाचल प्रदेश तक माँ और बेटे का ही राज है, जिससे कि पार्टी में भारी उथल पुथल मची हुई है, जिसके चलते पूरी पार्टी में बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ एक परिवार की पार्टी को अलविदा कहना शुरू कर दिया है। ये तीखा जुबानी हमला हिमाचल प्रदेश की सीएम जयराम ठाकुर ने अपने मंडी प्रवास के दौरान वीरवार को पंडोह में आयोजित एक कार्यक्रम में बोला। वैदरंग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हटौन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए और पूरी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सीएम जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि द्रंग से कांग्रेस के एक बड़े नेता को कांग्रेस द्वारा इस प्रकार से दरकिनार कर देना इस बात का गवाह है कि पार्टी की मौजूदा स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मात्र एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, जिसका खामियाजा उसे पूरे देश में भुगतने को मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी केंद्र से हिमाचल प्रदेश तक मां बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह को प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, लेकिन उनके पुत्र ही उनके नाम पर सारे निर्णय ले रहे हैं। वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते हैं और वे प्रदेश की हर संभव सहायता करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री 5 वर्ष में एक बार भी हिमाचल नहीं पहुंच पाए, लेकिन मोदी पहले ऐसे पीएम हैं जो शिमला के माल रोड पर पैदल चले। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में मोदी 2 दिनों के लिए धर्मशाला, चंबा, बिलासपुर भी आने वाले हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनावों के दौरान भी मोदी हिमाचल प्रदेश में रैलियां करेंगे। आगे सुनिए और क्या कुछ कहना था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। अब इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आजकल मैं छेड़ ही नहीं सुन रहा हूँ उनकी, पता नहीं कहाँ है वो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गुंजाइश रखी भी कहाँ वहां पर। पूरा देश की कांग्रेस की बागडोर संभाली है मां और बेटे ने, और हिमाचल में भी ऐसा ही फेरा है सारा। कई जगह बना दिए कांग्रेस पार्टी के, क्या बना दिए, वर्किंग प्रेसिडेंट कितने बनाए, 4। हमने कही वर्किंग प्रेसिडेंट क्या होता है, बोलते कुछ नहीं होता, बोलते ऐसे ही है, बोलते ये मैं कहूं कोई पावर पूर है, बोलते सिर्फ पावर कुछ नहीं है, बोलते पूरी कांग्रेस में पूरे देश भर में भगदड़ मची हुई है। इसलिए कोई भाग करके न चला जाए, इसलिए उनको बोला तेरे को प्रेसिडेंट बनाता हूं, और वो बेचारा नारे लगा करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नारे लगा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहां के नेता की बेचारे की बात ही नहीं आई है। वो पुराने उस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उनकी बारी आई नहीं, पता नहीं ये क्या है। अभी बोलते हैं पार्टी का प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी के तय हो गए, मैडम को प्रेसिडेंट बना दिया, तो मैडम नहीं बेटा ही बना, वो बोलता प्रेसिडेंट से ज्यादा बोलता। सारा टूर वही कर रहा, सारा कार्यक्रम वही कर रहा, किसको रखना पार्टी में, किसको निकालना, किसको उतारना, किसको चढ़ाना, सारा काम वही कर रहा। अगर सरकार बन गई तो बोलते तब तो बुरा हाल है, बोलता है। मैंने कहा ये थारा झगड़ा भाई, हमको कुछ नहीं लेना है सारी चीज को लेकर के। बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस का एक सुना रहा था, हमको अपनी पीड़ा सुना रहे थे, फिर लगे बोलने तो जाइए कहां, बोलते हैं दिल्ली तक अगर हम बात करें तो वहां भी वैसा ही है, मां और बेटे का है काम सारा चला हुआ। तो मैंने कहा भाई इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये आपकी पार्टी का है, आप अपनी बात को आप अपने आप देखो कैसे हो सकता है। लेकिन उस पार्टी में बहुत उथल पुथल चल रही है, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, पूरे देश भर में बहुत बड़े बड़े नेता उनको छोड़ करके जा रहे हैं, पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। आपका परिवार जो होता है आपको मुबारक हो, और हम अब इस परिवार से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा लंबा, कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट आई, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा की स्टेटमेंट आई कि कुछ नहीं दिया उनको, ये याद नहीं आया कि एक प्रधानमंत्री को लेकर के वो भी आए थे और शिमला की ठंडी 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 हवा में वहां पर रिज के मैदान में वो सो गए थे।
अरे नरेंद्र भाई मोदी जी ने शिमला के रिज के मैदान से 10,000 हिमाचल के 10,000 से ज्यादा हिमाचल के किसानों के खाते में 2,000 रुपए डाले, घर बैठे उनको खाते में पैसे मिले। 21,000 करोड़ रुपए पूरे देश के किसानों के खाते में डाले। और एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हमारी मदद की है। अभी कोई कांग्रेसी कुछ दिन पहले कह रहे थे, बोलते हैं कि हमने सुना 16-17 तारीख को फिर से मोदी जी आ रहे। मैंने कहा आ रहे नहीं, मैं कि शिमला नहीं धर्मशाला आ रहे। बोलते हैं कमाल कर दिया, बोलते हमारे प्रधानमंत्री 5 वर्ष में एक बार भी फेरन लगाते तो ये तो 1 महीने में 2 बार आ रहे हैं, और सिर्फ धर्मशाला आ रहे हैं, 2 दिन रुक रहे हैं वहां पर। इसलिए आ रहे हैं कि हिमाचल में आकर के उनको आनंद की अनुभूति होती है, उनको लगता है कि ये इस प्रदेश में हमको और बेहतर काम करना है और यहाँ की मदद और ज्यादा किस तरह से की जा सकती है। चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में रखी गई है और चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस में वहां 2 दिन मोदी जी रहने वाले हैं। अभी मैं अगर बोलू आगे बोलू तो हमको बहुत झटका लगेगा, थोड़े वक्त के बाद वो चंबा भी जाने वाले हैं और उसके बाद वो जहां बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने के लिए भी आने वाले हैं और उसके बाद आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बहुत जगह उनके आना होगा, आप सबके बीच में उनके दर्शन करने का, आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा। क्योंकि हिमाचल अपना है ऐसा उनका कहना, और कहना नहीं उनको उनने स्वीकार किया है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हाय जानू, मम्मा आई वांट चॉकलेट। No skills are these fake MCs gonna take back seat. I'ma kill this beat. Yeah, we got that shit. We play hard, play smart. I'ma high on the boss like John Carter. कैंपस के